हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विथ स्वप्निल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन आया था आज के पेपर में 10 मई को साइंस के पेपर में। तो आप देख रहे हैं, सर्किट देख रहे हैं, वोल्ट मीटर लगा है 5 ओम में, 20 वोल्ट की बैटरी है, एक की है और R2 10 ओम है, R3 4 ओम है, R4 6 ओम है, R5 10 ओम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है फर्स्ट, सेकेंड पूछा गया है कितना करंट ड्रॉन हुआ है, और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम पूछा गया है। बहुत ही इजी सवाल है। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जो भी करंट आ रहा है कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये आई करंट आया, ठीक है। जब आई करंट आया दो में डिवाइड हुआ, मान लेते हैं ये आपका आई वन है और ये बेटा आपका आई टू है, ठीक है। ये जो करंट आई था इस पॉइंट में दो में डिवाइड हो गया। अब ये जो I1 जा रहा है, I1 यहाँ भी जाएगा, R4 में भी जाएगा और R3 में भी I1 जाएगा। तो I1 दोनों में जा रहा है, R3 R4 में दोनों I1 ही जा रहा है। जब सेम करंट जा रहा है तो क्या होता है, सीरीज होता है। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा हमारा, सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज का क्या हो जाता है हमारा, ऐड हो जाता है। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब सॉल्व होने के बाद अब नीचे का मैं नहीं बनाऊंगा, स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा ये 5 ओम है और ये आपका 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये फिर आपका 10 ओम है और ये सिंप्लीफाई होके आपका आ गया 10 ओम, ये आ गया आपका 10 ओम और फिर ये आपकी बैटरी लगी है। अब जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे आई करंट आया था, दो में डिवाइड हुआ, किस किस में डिवाइड हुआ, एक आई वन में डिवाइड हुआ और आई टू में, ठीक है। अब क्योंकि दो अलग अलग करंट जा रहे हैं इन रेजिस्टेंस में, तो ये दो रेजिस्टेंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्म लग जाएगा, अगर सेम रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो पैरेलल का होता है जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो होता है R/N। तो सेम रेजिस्टेंस है तो 10 और कितने हैं दो, तो क्या आ जाएगा 5 ओम। तो इसको सॉल्व करने के बाद 5 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों बोले मैं एक रेजिस्टेंस पुट कर सकता हूँ, तो जब एक रेजिस्टेंस मैं पुट करूँगा तो ये 5 और इसको भी सॉल्व करने के बाद 5 आया था और ये मेरा 10 और ये बैटरी, तो ये हमारा 5, ये 10, सॉरी ये हमारा निकल के आया बेटा 5 और ये 10। अब देखिए जो भी करंट जाएगा आई, वो सब में आई ही करंट जाएगा, तो ये तीनों जो हमारे हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे, सीरीज। और सीरीज़ में हम सब जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज़ में फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 तीनों का सम। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 + 5 + 10, तो आ जाएगा 20 ओम। तो पहले का जो आंसर है वो है बच्चा 20 ओम, ठीक है। अब सेकंड पूछ रहा है करंट ड्रॉन, तो करंट ड्रॉन भी बहुत सिंपल है। करंट ड्रॉन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे V = IR। टोटल वोल्टेज कितना दिया गया आप देख रहे हैं 20, आपको I निकालना है और टोटल करंट अभी हमने टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला है 20, तो ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे तो I आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 1 एम्पियर। तो सेकेंड का आंसर है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। ये आपका सेकेंड का आंसर है 1 एम्पियर, ठीक है। सेकंड का आपका आंसर जो है वो है 1 एम्पियर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम, तो हमें इसके अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज R1, ठीक है। या आपने करंट निकाल ही लिया है तो डायरेक्ट आपका इससे आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा, तो आप सिंपली फिर से लगा दीजिए V = IR, ठीक है। तो I आपने निकाल लिया है, I कितना निकाला है आपने 1 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो आपका V आ जाएगा, वोल्ट मीटर रीडिंग आ जाएगी 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका 5 वोल्ट आ जाएगा तीसरे का आंसर। तो तीसरे का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 वोल्ट। तो आई होप सो आपके तीनों आंसर आए होंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको बन गया होगा। थैंक यू सो मच।